हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। टीपू सुल्तान के नाम से मुंबई में एक बाग जो है, गार्डन, उसका नाम रखा जाने वाला था, बट उस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। इस पूरे मैटर को हम लोग डिटेल में समझेंगे और टीपू सुल्तान हिस्ट्री में कैसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को भी समझेंगे। पहले ये जान ले, टीपू सुल्तान को इंडियन हिस्ट्री में क्या जगह दिया गया है। टीपू सुल्तान को लेके दो नैरेटिव फेमस है, दोनों बिल्कुल डिफर करने वाली नैरेटिव है। एक नैरेटिव में उनको बहुत हीरो बताया जाता है, दूसरी नैरेटिव के अकॉर्डिंग उनको उतना ही विलेन बताया जाता है। तो जो अपने हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया है, हिस्ट्री रिकॉर्ड में लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे डिटेल दूंगा, कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। टीपू सुल्तान की एक नैरेटिव से अगर बात करें तो उनको फियरलेस टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, ग्रेट सन ऑफ कर्नाटका कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है अंग्रेजों से जम के लड़े और कोलोनियलिज्म जो था, जहां अंग्रेज शासन कर रहे थे उनके अगेंस्ट वो बहुत बड़े बुलवर्क साबित होते थे। टीपू सुल्तान किसके बेटे थे? टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। अब बात आती है हैदर अली कौन है, तो हैदर अली एक सिपाही थे। वोडेयार किंग जब शासन करते थे मैसूर में, उसके अंदर हैदर अली एक सिपाही थे। सिपाही से बढ़ते बढ़ते बड़ी आर्मी रैंक पे पहुंच गए और लास्ट में पावर को अक्वायर कर लिया, कैप्चर कर लिया 1761 में। 1761 में सत्ता मिल गई हैदर अली को। तब तक अंग्रेज इंडिया में ऑलरेडी सेटल्ड हो गए थे। तो अंग्रेजों के बीच और मैसूर के बीच, मैसूर पे ये शासन कर रहे थे, पहला वॉर हुआ जिसको बोला गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। वो लड़ा गया 1767 से 69 तक। उस समय बस 17 साल के रहे होंगे टीपू सुल्तान जो हैदर अली के बेटे थे। बाद में दूसरा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया जो 1780 से 84 तक लड़ा गया। इस वॉर में हैदर अली की बीच में ही मौत हो गई 1782 में। तो देखो वॉर खत्म हुआ 84 में, तो इसके बाद मोर्चा किसने संभाल लिया? टीपू सुल्तान ने संभाल लिया और साथ साथ मैसूर की गद्दी भी संभाल ली। टीपू सुल्तान के बारे में और क्या क्या कहा जाता है? टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ही इज द मैन ऑफ इमेजिनेशन एंड करेज। इमेजिनेशन बहुत था उनके पास, साहस बहुत था, ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाते थे, रणनीति बहुत अच्छा बनाते थे। और सबसे बड़ा, अगर किसी ने अंग्रेजों को चैलेंज दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज किया, तो वो टीपू सुल्तान ही थे। चाहे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हो या लॉर्ड वेलेस्ली हो, सबके दांत खट्टे कर दिए टीपू सुल्तान ने, मरने मरने से पहले तक। और मरे कब? 99 में, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया उस समय 99 में जाकर के टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। तो उसके पहले तक वो हमेशा ब्रेवरी से लड़ते हुए अंग्रेजों से आए। और क्या क्या उनके काम बताए जाते हैं कि उन्होंने जो अपनी आर्मी थी वो यूरोपियन की तरह अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, मजबूत किया, उसमें जो भी नए टेक्नोलॉजी थे उनका यूज किया। तो ये तो हो गई आर्मी से रिलेटेड। क्या अन्य कामों में भी उन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया अन्य फील्ड में? तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी, चाहे इकोनॉमी के फील्ड में भी उनके काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक तो है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को नए तरीके से लागू किया, जिससे क्या हुआ, जिससे वहां पे इनकम बढ़ा, जिससे वहां पे रेवेन्यू बढ़ा और स्टेट का जो रिसोर्स हुआ वो बेस जो है काफी एक्सपेंड हो गया। आप बोल सकते हो कि वहां की जीडीपी बढ़ गई, ठीक है। जीडीपी वैसे तो मॉडर्न टर्म है, बट आप यूज कर सकते हो समझने के लिए। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर दिया, जो बैरन लैंड थे, जो उपजाऊ जमीन नहीं थे, उनपे अगर कोई काम करता है तो उसको वो लोग इंसेंटिव देते थे टीपू सुल्तान, कि चलो आपको टैक्स इंसेंटिव दे रहा हूं कि अगर आप बैरन लैंड पे काम कर रहे हो, इससे ऑब्वियसली बैरन लैंड भी एक्वायर होंगे और वहां पे फसलें भी होनी शुरू होंगी। इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, ओल्ड डैम को रिपेयर करने का काम किया और एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट किया, सेरिकल्चर, आप समझ रहे हो, सेरिकल्चर को भी प्रमोट किया। ये सारे काम टीपू सुल्तान ने किए। इसके अलावा नेवी को भी, ट्रेड जो है बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए नेवी को बिल्ड किया, एक कमीशन बनाया जिसको बोलते हैं स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन। इसका काम था फैक्ट्री सेटअप करना। फैक्ट्री सेटअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को और बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, वहां पे जीडीपी बढ़ेगी, ऐसा आप आज के टर्म में बोल सकते हो। वो लोग किसमें ट्रेड करते थे? टीपू सुल्तान और मैसूर ट्रेड करते थे सैंडलवुड में, सिल्क में, स्पाइसेस, राइस, ये सारी जगह, ये सारी चीजें बाकी कंट्रियों को, बाकी प्लेसों को आप बोल सकते हो एक्सपोर्ट करते थे। 30 ऐसे ट्रेडिंग आउटपोस्ट बनाए थे टीपू सुल्तान ने जहां से ट्रेडिंग वगैरह हो सके। तो ये सारे उनके अच्छे काम है, एक तरह की नैरेटिव जो है उनके अच्छे कामों को दिखाती है।
अब हम दूसरे नैरेटिव के बारे में पढ़ेंगे जो थोड़े इनके जो बुरे काम है वो उसको बताती है। ये भी हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है, ये अलग से किसी का नैरेटिव नहीं है, हिस्ट्री में ये भी डॉक्यूमेंटेड है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनके दूसरे साइड को, दूसरे फेस को बार बार उजागर करते हुए दिखाई देती है और बोलती है कि टीपू का जो क्रूएल फेस था, क्रूएल ट्रीटमेंट किया उन्होंने हिंदूज के साथ, खुद मुस्लिम थे, हिंदूज को टॉर्चर किया, फोर्स्ड कन्वर्जन कराए हिंदूज का मुस्लिम में, टेम्पल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारे टेम्पल को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी वाले फीचर को ज्यादा दिखाते हैं। बट ऐसा ऐसा सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी इकलौता ऐसा पार्टी नहीं है, ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस चीज को पोर्ट्रे करता है। अगर आप कोडागु के जंगलों में जाओगे या केरला कर्नाटका बॉर्डर पे जाओगे तो वहां भी टीपू को एज ए हीरो नहीं देखा जाता है। ये देखो कर्नाटका के मैप में ये रहा मैसूरू, ठीक है, मैसूरू के बहुत पास में ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है कोडागु, कोडागु इसको कुर्ग भी पहले बोला जाता था। तो यहाँ पे एज ए हीरो नहीं देखा जाता है टीपू को, क्योंकि वही वो जगह है, यही वो लोकेशन है जिसको मैसूर में होते हुए टीपू ने एनेक्स किया, यहाँ पे मंदिर वंदिर तोड़े और बाकी लोगों को कन्वर्ट वगैरह किया, ठीक है। इसके आगे जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मैंगलुरु, तो मैंगलुरु पोर्ट भी चाहिए था टीपू को। इसके अलावा क्या बात हुई, टीपू के फादर ले लो, चाहे हैदर अली ले लो या फिर टीपू खुद ले लो, इनके टेरिटोरियल एम्बिशन थे, अलग अलग जगह एक्वायर करना ये लोग चाहते थे। तो हैदर ने भी एनेक्स किया था मालाबार को, कोझिकोड को, और कोडागु, थ्रिसूर और कोची को कॉन्कर कर लिया। अब बात टीपू को करें, टीपू ने भी रेड किया कोडागु को, मैंगलुरु को और कोची को। तो यहाँ के लोगों को देखोगे तो यहाँ के लोग बोलते थे या बोलते हैं या हिस्ट्री में जो डॉक्यूमेंटेड है कि जो टीपू है वो ब्लड थर्स्टी टायरेंट है, खून के प्यासे थे, कि लोगों का खून की होली खेलते थे, टाउन और विलेजेस जला देते थे, टेम्पल और चर्च दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते थे, हिंदूज को फोर्सिबली कन्वर्ट कर देते थे मुस्लिम में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऐसे बताते हैं कि टीपू को बहुत मजा आता था, अपने ऊपर प्राउड फील होता था ये बोलने में कि उन्होंने काफिरों को इस्लाम में कन्वर्ट किया, ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताता है, ठीक है। अब दोनों नैरेटिव्स को अगर हम लोग कंबाइन करें तो ये क्या निकल के सामने आता है, दोनों नैरेटिव कंबाइन करें तो ऐसा दिखता है कि दोनों ही बहुत ही कंट्रास्टिंग नैरेटिव है। ऐसा शायद इकलौते ही ऐसे फिगर होंगे टीपू सुल्तान जिसके बारे में ऐसी दोनों काउंटर पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करती हैं, कि हीरो वाले भी तो बहुत एक्सट्रीम हीरो और विलेन वाले भी तो बहुत एक्सट्रीम टाइप की विलेन की इनकी इमेज दोनों कॉन्ट्रास्टिंगली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में उपस्थित है, ठीक है। तो अब बात यह आती है क्रिटिसिज्म किया किसने, तो क्रिटिसिज्म उन जगहों पर उनकी होती है जहां पर उन्होंने कॉन्कर किया, जहां पे लूटपाट थोड़ी मचाई, ठीक है, उन जगहों पर क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा जो कोलोनियल हिस्टोरियन है, अपनी बहुत सारी हिस्ट्री का पोर्शन किसने लिखा, अंग्रेजों ने खुद ही लिखा है, यूरोपियंस ने लिखा है, तो वो लोग तो उनको डेमोनाइज करेंगे ही करेंगे। तो कुडागु को भी लोग बोलते हैं कि इसलिए सब्जुगेट किया टीपू ने क्योंकि उनको मैंगलुरु पोर्ट चाहिए था और कोडागु रास्ते में पड़ गया, बीच में पड़ गया जैसा कि हमने देखा, ठीक है। तो इसलिए उनको कोडागु को ऐसा करना पड़ा। और उस समय पे जो भी राजा मिले कहीं पे भी जहां पे उन्होंने अटैक किया, किसी का रिलीजन वगैरह नहीं देगा, कुछ भी रिलीजन रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे हिंदू रहा हो, क्रिश्चियन रहा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फेथ, सबको हराया, ठीक है, सबको हराना नहीं बोलेंगे, सब पे अटैक किया और सबको कैप्चर करने का कोशिश किया, चाहे वहां पे हिंदू हो या मुस्लिम हो। केरला में जब स्लॉटर चल रहा था उनका, मास मर्डर एक तरह समझ लो, तो उसमें सिर्फ हिंदू नहीं था, वहां पे मुस्लिम भी थे। और जब आप पैटर्नाइज करने की बात करते हो तो हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन है कि उन्होंने हिंदू टेम्पल और प्रीस्ट को पैटर्नाइज्ड भी किया, उनको संरक्षण भी दिया, उनको ग्रांट एंड गिफ्ट भी दिया, डोनेशन दिए। टेम्पल्स हैं नान जांगुड़ में, कांची में, कालाले में, जहां पे उन्होंने डोनेशन दिया और संरक्षण दिया, श्रीनगरी मठ जो है वहां पे उसको संरक्षण प्रदान किया। तो ऐसे भी जो हिस्टोरिकल उल्लेख है वो हिस्ट्री से मेंशन है, तो ये दोनों तरह की चीजें उनके लिए हिस्ट्री में ऑलरेडी मेंशन। अब आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, तो जून 2021 की बात है, अभी इसी साल के जनवरी महीने की बात है, सॉरी, जनवरी महीने में समाजवादी पार्टी के कॉरपोरेटर हैं गोवंडी में, इनका नाम है रुखसाना सिद्दीकी।
इन्होंने लेटर लिखा मार्केट एंड गार्डन कमेटी। मार्केट एंड गार्डन कमेटी क्या करेगी, गार्डन और मार्केट के नाम रखेगी कि जो नया वहां पे 2 एकड़ का एक नया गार्डन डेवलप हुआ है उसका नाम टीपू सुल्तान के नाम पे रख दिया जाए, क्योंकि टीपू सुल्तान क्या है, हमारे हीरो हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत बहादुरी से लड़े, तो टीपू सुल्तान के नाम वहां पे रख देना चाहिए। इसको डिमांड को जो बीएमसी है वहां पे, जो मुंबई में काम करती है बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और 15 जुलाई को भेज भी दिया मार्केट एंड गार्डन कमेटी के पास अप्रूवल के लिए। अब यहां से जो कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट होता है। जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हिंदू जन जागृति समिति और बाद में बीजेपी, वो लोग क्लेम करने लगी, वो लोग ऐसा बोलने लगी कि टीपू सुल्तान जो थे वो एंटी हिंदू लीडर थे और अगर गार्डन का नाम उनके नाम पे रखा जाएगा तो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होंगे, तो उनके नाम पे गार्डन का नाम नहीं रखा जाना चाहिए। बीजेपी के कॉरपोरेटर इसका अपोज करने लगे और डिमांड करने लगे कि जो भी अप्रूवल है उसको खारिज कर दिया जाए, उसको स्क्रैप कर दिया जाए, नहीं तो वो लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, बीएमसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, शिवसेना जो बीएमसी को चलाती है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। बीजेपी के जो काउंसलर हैं बालचंद्र शिरसत, तो बालचंद्र शिरसत ऐसा बोलते हैं कि जब ये मीटिंग हो रही थी गार्डन एंड मार्केट कमेटी की जिसमें नाम रखे जाने वाला था, तो वहां पे उन लोगों को बोलने नहीं दिया गया, ऐसा ये क्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं। अब बात यह आती है कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शिवसेना के जो कॉरपोरेटर हैं और उस कमेटी की चेयरपर्सन है प्रतिमा खोपड़े, तो प्रतिमा खोपड़े ने क्या किया, उस प्रपोजल को इनकम्प्लीट बोला कि प्रपोजल अभी इनकम्प्लीट है और बीएमसी के पास वापस भेज दिया मोर डिटेल्स के लिए। ठीक है, थोड़ा होशियारी से काम लिया ऐसा आप बोल सकते हैं। और फिर बाद में शिवसेना ने बोला कि जब वापस ये प्रपोजल इनकम्प्लीट ही था तो वहां डिस्कशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं था, तो अगर बीजेपी के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया गया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अब बीएमसी जो है उसको फिर से जब तक नहीं भेजती है मार्केट एंड गार्डन कमेटी के पास अप्रूव करके, तब तक वहां पे कुछ काम होने वाला इस मैटर में नहीं है। पहले बीएमसी वापस से कमेटी के पास भेजेगी अप्रूव करके, कमेटी वापस से बीएमसी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजेगी, तब जाके वहां पे नाम उसका टीपू सुल्तान के नाम पे रखा जाएगा। तो अभी ये प्रोसेस कब तक होगा ये अभी फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। क्या इसके पहले टीपू सुल्तान के नाम पे मुंबई में कभी कोई सिविक फैसिलिटी रखी गई है, तो हाँ वहां भी रखी गई है। एक तो आप समझ लो दिसंबर 13 2020 में, लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर में कांग्रेस के जो एमएलए हैं असलम शेख, उन्होंने भूमि पूजन किया, टीपू सुल्तान के नाम से एक मैदान ऑलरेडी वहां पे है, उसको वापस से रीवैम्प करने के लिए, उसका वापस से पुनः उसको जागृत करने के लिए, पुनः उसको मेंटेन कराने के लिए वहां पे भूमि पूजन वगैरह किया जो मलाड वेस्ट में पड़ता है। उसके कुछ सालों पहले ही अंधेरी वेस्ट में एक रोड का नाम टीपू सुल्तान के नाम पे रखा गया। तो ये मुंबई में ऑलरेडी सिविक फैसिलिटीज हैं जो टीपू सुल्तान के नाम पे एग्जिस्ट करती है। तो ये रहा पूरा इंफॉर्मेशन, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।